दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में हुए रेनोवेशन के मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच की और रिपोर्ट दिल्ली के एलजी को सौंप दी और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग प्लान मंजूरी के बिना सीएम हाउस में निर्माण हुआ। सीएम हाउस के रेनोवेशन पर 52,71,00,000 रुपए खर्च हुए। सीएम हाउस पर 33,49,00,000 और कैंप हाउस निर्माण पर 19,22,00,000 खर्च हुए। रिपोर्ट में माना गया है कि सीएम हाउस बहुत पुराना था, 1942 से 1943 में ये बना था और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स की सिफारिश पर नया बंगला बनाया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने 15 से 20 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया था और निर्माण के लिए 20 अक्टूबर 2020 को 8,61,00,000 रुपए का पहला टेंडर जारी हुआ था। पहले टेंडर में नई बिल्डिंग बनाने का जिक्र नहीं था, बाद में कई नए प्रस्ताव जोड़े गए। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी ने नए बंगले के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 के मुताबिक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की लाइफ 55 साल होती है और इस हिसाब से मुख्यमंत्री आवास को 1997 में ध्वस्त कर देना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया जिससे कि ये पता चले कि बिल्डिंग की मरम्मत हुई या फिर उसकी लाइफ बढ़ाई गई। और सीएम हाउस के रेनोवेशन पर बनी विजिलेंस की इस रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, निशाना साधा है, बयान जारी किया है, कहा है कि सीएम की छवि खराब करने की ये नाकाम कोशिश हुई है। अब बीजेपी सीएम आवास को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे कि अपराध कहा जा सके। सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, इसलिए सीएम केजरीवाल के पीछे सभी एजेंसियों को लगा दिया गया है।